हेलो दोस्तों, आपके अपने परिवार सिलेक्शन पुट में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आपके पूरी की पूरी जितने भी आपके क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं, जो कि आपके जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उस एग्जाम में आपके आए हुए क्वेश्चन, जो कि आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल ये आपका चैनल रहेगा, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो देखिए दोस्तों, लिखा हुआ है, देखिए ये जो हमारा एग्जाम के लिए यूपी पुलिस एग्जाम का ये बहुत जो एग्जाम में पूछे गए हैं, हाँ, आपको जितने भी पुराने पेपर हुए उस पेपर से लिया गया है क्वेश्चन। तो लिखा गया है, लोथर नामक स्थान पर निम्नोक्त सप्ताह में से किसका जहाजी माल घाट था? सिंधु घाटी, मेसोपोटामिया, मिस्र, फारसी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, सिंधु घाटी, जो कि आपका राइट आंसर होगा। आप इस पर टिक कर सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के था अर्थव्यवस्था की ताकत क्या था, मतलब सिंधु घाटी में जो लोग रहते थे इसका व्यवसाय क्या था? कृषि था कि व्यापार था, चाक पर बनाई गई मिट्टी के बर्तन था कि बढ़ई गिरी था? तो क्या था भैया? कृषि था, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप हम लोग बढ़ते हैं मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा हुआ, सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? भैंस, भेड़, गाय, सुअर। तो आपका जो मेरे भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा? गाय आपका, जो कि राइट आंसर है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोग वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देवी माता पूजा संबंधित थी आर्य सभ्यता के साथ, भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ? तो मेरे भाई इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, जो कि आपका राइट आंसर हो, इस पर आप टिक कर लीजिएगा मेरे भाई। भारतीय संविधान केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप की कल्पना नहीं करता, बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज की भी कल्पना करता है, क्योंकि यह इसकी विचारधारा से ओतप्रोत है। क्या क्या है मेरे भाई? न्याय है, स्वतंत्रता है, समानता है, भाईचारा है। तो कौन सा कोड सही होगा भाई? फर्स्ट और सेकंड, यानी कि न्याय और स्वतंत्रता होगा, या स्वतंत्रता और समानता होगा, या न्याय और भाई ये समानता होगा, या आपका डी ऑप्शन है, या आपका न्याय होगा, स्वतंत्रता होगा, समानता होगा और भाईचारा होगा। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर डी, जो कि आपका राइट आंसर होगा, जो कि आप इसको सही कर लीजिए मेरे भाई। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाई आप लोग अभी यहाँ तक देख लिए हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को मेरे भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके इस पे जितने एग्जाम जो हो रहे हैं इसके आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया जाएगा मेरे भाई, आपको सिखाया जा रहा है, आपको इस पर प्रैक्टिस इतना बेहतरीन कराया जाएगा, शायद कोई भी आपको चैनल आपको प्रैक्टिस करवाता हो। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं, मतलब जो संविधान का अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ पे देख सकते हैं, किस जगह पे देखना है? क्या प्रस्तावना में देखेंगे, या भाग थ्री में देखेंगे, या भाग फोर में देखेंगे, या भाग एक में देखेंगे? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई कि हम लोग प्रस्तावना में देखेंगे, ठीक है, हमारा प्रस्तावना, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा हुआ है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, एक प्रभुसत्ता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, ऑप्शन नंबर ए है, या ऑप्शन बी है, एक समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य, या ऑप्शन नंबर सी है, एक प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, या ऑप्शन नंबर डी है, एक गणराज्य। तो मेरे भाई आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, कौन सा करेक्ट आंसर होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, इस पे आप टिक कर सकते हैं, ये वाले पे, ऑप्शन नंबर सी पे, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है, क्या कहा गया मेरे भाई? सर्वसत्ताधारी लोकतांत्रिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य, या समाजवादी लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य, लोकतांत्रिक सर्वसत्ताधारी धर्मनिरपेक्ष, या समाजवादी गणराज्य? ऑप्शन बी, सर्वसत्ताधारी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष कॉमन लोकतांत्रिक गणराज्य। तो आपका मेरे भाई इसमें करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, आप बताइए। अगर आपको पता है तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका होगा, जो
सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्म निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, ये जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा हुआ है भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है, तो आपको पता होने का केपी कैमूरिन है या कैलीमियर पॉइंट है या इंदिरा पॉइंट है, तो आपको जो करेक्ट आंसर होगा भाई इंदिरा पॉइंट, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप इस पर आप ओके कर लीजिएगा मेरे भाई। चलिए आप हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का सबसे बड़ा देश है, तो दूसरा है कि चौथा है कि छठा है कि सातवां है, तो आपको जो करेक्ट आंसर होगा भाई सातवां है, जो कि हमारा भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां देश है। चलिए पहला देश कौन था, रूस है मेरे भाई। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना हो सकता है मेरे भाई, तीन गुना होगी, चार गुना है, छः गुना कि नौ गुना, तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो कि आपका राइट आंसर है चार गुना है, ठीक है मेरे भाई। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए लिखा हुआ है भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था, तो कौन सा अंग था मेरे भाई, आपको पता होना चाहिए कौन सा अंग था, गोंडवाना लैंड का, ठीक है, ये जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा हुआ है सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होगा, पृथ्वी होगा, मंगल होगा, शनि होगा, बृहस्पति होगा, तो आपका बृहस्पति जी जो कि आपका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सौरमंडल के चार सबसे विशाल ग्रह अवरोही क्रम में हैं, बृहस्पति, बुध, शनि और यूरेनस, या बुध, बृहस्पति, शनि और नेपच्यून, या बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई आपका, या बृहस्पति, बुध, शनि और नेपच्यून, तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इस पर आप टिक कर लीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बुध ग्रह के उपग्रहों की संख्या कितनी है, आप बताइए, 0, 1, 2, 6, 16, तो आपका कौन सा होगा ऑप्शन नंबर ए आपका जो कि राइट आंसर। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो चैनल से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा, लोगों से सब्सक्राइब करिएगा, इस पर आपको कंप्लीट प्रैक्टिस सेट चलेगा जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, तो आप प्लीज़ करके इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग वीडियो को देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है मेरे भाई। निम्न में कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं, मंगल तथा शुक्र, बुध तथा शुक्र, मंगल तथा बुध, वरुण तथा प्लूटो, तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, कौन सा आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट, आप हमको आप बता सकते हैं कौन सा करेक्ट आंसर होगा कमेंट में। देखिए करेक्ट आपका जो आंसर होगा बुध तथा शुक्र जो आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है मेरे भाई, बुध तथा शुक्र है, इस पर आप टिक कर दीजिए। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइप पे फट जाती है, क्यों फट जाती है, क्योंकि जमने पर पानी फैलता है, पानी के पाइपों के संकुचन के कारण, या ऊंच वायुमंडल दाब के कारण, या उपयुक्त सभी के संयुक्त प्रभाव से, तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई हमारा जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका जो कि राइट आंसर है, क्योंकि जमाने पर पानी फैलता है, जमने पर पानी क्या होता है मेरे भाई, फैलता है, आप कभी देखिएगा जमाकर जैसे आप बॉटल वगैरह में जम करेंगे तो इसको फैलेगा, ठीक है, टाइट हो जाएगा, फट भी सकता है अगर ज़्यादा दिन तक खोज दो, ठीक है। अब देखिए ताजे पानी का हिमांक बिंदु क्या होना चाहिए, आपका हाँ 3 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, 5 डिग्री सेंटीग्रेड होना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, या 4 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड आपका जो कि राइट आंसर होगा मेरे भाई। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा हुआ है शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि, ऑप्शन नंबर है ये है, शीतकाल में हमारा शरीर ठंडा होता है अतः जल गर्म प्रतीत होता है, या पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है, क्या ऑप्शन सी है, पंपिंग क्रिया से घर्षण पैदा होता है जिससे जल गर्म हो जाता है, ऑप्शन डी है, भीतर से जल बाहर निकलता है और परिवेश से ऊष्मा का अवशोषण कर लेता है, तो इसमें से मेरे भाई कौन सा आपका करेक्ट आंसर हो जाए, ऑप्शन नंबर आपका बी जो कि राइट आंसर है, पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है, पृथ्वी के जो भीतर होता है मेरे भाई तापमान जो होता है वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है मेरे भाई, ठीक है। अब बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठंडे देशों में शीतकाल में झीलें जम जाती हैं नीचे पानी को छोड़कर, ठीक है, ठंडे देशों में शीतकाल में झीलें जम जाती हैं, तो कौन सा होगा करेक्ट आंसर होगा,
0 डिग्री सेंटीग्रेड पर या 0 डिग्री फारेनहाइट पर या 4 डिग्री फारेनहाइट पर या 4 डिग्री फारेनहाइट पर। तो आपका जो करेक्ट आंसर मेरे भाई 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडे देशों में शीतकाल में झीलें जम जाती हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस तत्व के तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का गुणनफल किसके बराबर होता है? वाष्प घनत्व, सापेक्ष ताप, परमाणु भार या अणु भार? तो भाई आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कि जो तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का गुणनफल किसके बराबर होता है, अणु भार के बराबर होता है, जो कि आपका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा हुआ आणविक कक्षा का अभिन्यास किसे नियंत्रित होता है? मुख्य क्वांटम संख्या से, चुंबकीय क्वांटम संख्या से, पृच्छकरण क्वांटम संख्या से, दिगंधी क्वांटम संख्या से? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपका चुंबकीय क्वांटम संख्या से। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। न्यूट्रॉन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? चैडविक को, रदरफोर्ड को, नील बोर को या बताइए आपको इसमें से चारों में कौन सा सही होगा? ये ऑप्शन आपको जो कि राइट होगा। अब देखिए इसको याद कर तो लिए, अगर मैं आपको इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो आप इलेक्ट्रॉन को कौन सा होगा, टॉमसन होगा, इलेक्ट्रॉन हो गया। प्रोटॉन का कौन होगा, प्रोटॉन का रदरफोर्ड होगा। अब इसको कैसे याद किया गया, ईट पर नाच, ईट पर नाच, ई से इलेक्ट्रॉन, टी से टॉमसन, प से प्रोटॉन, र से रदरफोर्ड, न से न्यूट्रॉन, च से चैडविक। ठीक है मेरे भाई, ऐसे आप करके याद कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी तत्व के परमाणु का परमाणु क्रमांक 17 है और द्रव्यमान 36 है, उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो आप क्या करेंगे भाई, आपको पता होना चाहिए परमाणु न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होता है मेरे भाई, आप कर सकते द्रव्यमान परमाणु के द्रव्यमान माइनस परमाणु क्रमांक। तो आप इसको घटाएंगे मेरे भाई 36 में से 17 को जब घटाएंगे हम लोग तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा मेरे भाई, आपका 19 आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 19। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंजाइम होते हैं मेरे भाई, एंजाइम कैसे, तो सूक्ष्म जीव होते हैं या प्रोटीन होते हैं या अकार्बनिक यौगिक होते हैं या फफूंदी होते हैं? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई प्रोटीन, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एंजाइम जो होता है हमारा प्रोटीन होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंजाइम क्या होते हैं आपका, प्रोटीन होते हैं हमारा भाई, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। एंजाइम को प्रोटीन भाग क्या कहते हैं हम लोग, आपको पता होना चाहिए क्या कहते हैं हम लोग, एपो एंजाइम जो का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग टिक करते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि उसमें होते हैं आवश्यक एमिनो अम्ल। ठीक है, जो कि आपका राइट आंसर है। नारियल जट्टा प्राप्त की जाती है किससे प्राप्त की जाती है मेरे भाई, आपको पता होना चाहिए किससे प्राप्त की जाती, कोकोस न्यूसीफेरा जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जंतु परागण का आशय क्या है, आपको पता होना चाहिए कि जंतु द्वारा परागण, जो कि आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जीएम फूड के आशय उस खाद से है, किस खाद से है मेरे भाई, आपको पता होना चाहिए किस खाद से, आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई आप बताइए, ऑप्शन लिखे हुए हैं आप इसमें से बताइए, आप कमेंट करके बता सकते हैं मेरे भाई। हाँ, आपको समय दे रहे हैं कौन सा आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन आपका जो कि राइट आंसर है, जो अनुवांशिकता रूपांतरित है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि किसी माल की मांग की ऋणात्मक आय लोच है और धनात्मक मूल्य लोच है तो वह माल कैसा होगा, निम्न स्तरीय सामान्य माल या बढ़िया माल या घटिया माल? तो आपका क्या हो जाएगा, निम्न स्तरीय माल होगा मेरे भाई। ठीक है, जो कि आपका राइट आंसर है।
वे वस्तुएं जो या तो उपभोग अथवा निवेश के लिए निर्धारित है क्या कहलाती हैं? मध्यवर्ती वस्तुएं, गिफन वस्तुएं, अंत्याय वस्तुएं या निम्न स्तरीय वस्तुएं। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका? आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा निम्न स्तरीय, आपका जो कि राइट आंसर, निम्न स्तरीय वस्तु जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब आयात और निर्यात द्वारा किसी देश में आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करने दिया जाता है तो उससे तो उस अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं? बंद अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था, कृषि अर्थव्यवस्था, औद्योगिक अर्थव्यवस्था। तो जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, कौन सा करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई? खुली अर्थव्यवस्था, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण कच्ची सामग्री के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण है? लघु उद्योग, बृहत उद्योग, प्राथमिक और द्वितीयक, आधारभूत और उपभोक्ता, कृषि आधारित और खनिज आधारित। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, कृषि आधारित और खनिज आधारित, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट सफर एक प्रसिद्ध रिनेसंस चित्रकारी किसके श्रेष्ठ कृति है? तो आपका इसमें से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, आप हमको बता सकते हैं? आपका लियोनार्डो दा विंची, ठीक है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? लियोनार्डो दा विंची, ठीक है, ये भी करेक्ट आंसर है। प्रसिद्ध चित्रकार पैब्लो पिकासो निम्नलिखित में से क्या थे? आपका बताइए कौन से क्या थे? फ्रेंच थे, इटालियन थे, फ्लेमिश थे या स्पेनिश थे? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ये स्पेनिश थे मेरे भाई। ठीक है, ये आपका जो कि करेक्ट आंसर। भाई अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारी की सारी वीडियो आपको मिल जाए। भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? कौन थे मेरे भाई, आपको पता है तो बता सकते हैं? तो आपका जो करेक्ट आंसर है अवनींद्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, ठीक है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। डॉक्टर राउरी भारद्वाज को किस भाषा में अपने उत्कृष्ट साहित्यिक योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार 2012 के लिए चुना गया था? तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। तो आपका जो करेक्ट आंसर है भाई मेरे, तेलुगु आपका जो कि राइट आंसर है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन सा है जिसे 2001 में शांति निरस्तीकरण तथा विकास के लिए इंदिरा गांधी अवार्ड प्रदान किया गया था? तो आपका इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, आपको पता है तो बता सकते हैं? हमारा जो करेक्ट आंसर है मेरी रॉबिन्स, जो कि हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब भाई इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2013 का विजेता कौन है, आप बताइए इसमें से कौन मेरे भाई विजेता कौन है? आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, वो एंजेला मार्केल, जो कि आपका राइट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ष 1999 के लिए इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार किससे दिया गया? तो आपको किसको दिया गया मेरे भाई, आपको पता होना चाहिए किसको दिया गया? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जी को दिया गया, जो कि आपका करेक्ट आंसर है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ष 2012 में चैंपियन लिंग 20 CLT20 ट्रॉफी किसने जीती? तो हमारा किसने, सिडनी ने दिखा कि हाईवेल ने दी, नसुगा ने दिखा कि दिल्ली ने, तो किसने जीता मेरे भाई? सिडनी ने जीता था, सिडनी जी ने जीता था मेरे भाई, ये जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्रिकेट में विकेट के दो सेट होते हैं, कौन कौन से दो सेट होते हैं मेरे भाई? 24 गज, 18 गज, 20 गज या 22 गज? तो आपको जो करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई, 22 गज, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको ओके कर लीजिएगा। आप देखिए फरवरी 2013 में ICC का महिला विश्व कप किस देश ने जीता था? किस देश ने जीता? न्यूजीलैंड, इंग्लैंड के, ऑस्ट्रेलिया के, भारत ने? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ऑस्ट्रेलिया ने जीता था।
ठीक है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी जिसने अभी हाल में अपनी सहमति प्रकट करने तथा खेल निर्णायक अंपायर को भयभीत करने के कारण कोई एक मैच खेलने से वंचित कर दिया गया था, तो हमारे कौन से हैं? सौरव गांगुली जी जो हैं, जो कि इनको क्या कह रहा था, जो पांचवा मैच खेलने से इनको मना कर दिया गया था। वो क्यों मना किया गया था मेरे भाई? इसलिए मना किया गया था, वो गांगुली जी कप्तान थे। गांगुली जी किस सन के कप्तान हैं ये मुझे कमेंट करके आप लोग बताइएगा, गांगुली जी किस, सौरव गांगुली जी किस सन के कप्तान थे। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको सेलेक्शन के जितने भी आपको वीडियो मिले वो आपको आप तक पहुँच सके। तब तक के लिए धन्यवाद, हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, मैं अपनी वाणी को देता हूँ यहीं पे विराम, और आप अच्छे से रहिए, खुशी से रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद मेरे भाई।